असल स्टूडेंट्स आज हमारा जो लेक्चर है वो आई सी एस पार्ट वन कम्प्यूटर साइंस के पेपर पैटर्न के अबाउट है फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेपर पैटर्न में हमें एक सेक्शन नजर आएगा जो सेक्शन हमारा सेक्शन ए e होगा ठीक है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए e में आपको क्वेश्चन नंबर वन आएगा क्वेश्चन नंबर वन में फिफ्टीन एमसीक्यूज होंगे और फिफ्टीन ही मार्क्स होंगे एक एमसीक्यूज का एक मार्क्स होगा ठीक है इसमें आप लोग को कोई चॉइस नहीं होगी आपने तमाम जो एमसीक्यूज हैं ज्यादातर जो देखा जाए तो हमारे वाला बोर्ड का जो पेपर का पैटर्न है उसमें जो ज्यादातर क्वेश्चन की रेंज आती है वो एमसीक्यूज में देखा जाए तो चैप्टर नंबर सिक्स एट नाइन टेन में से एक एमसीक्यूज आता है एंड अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर वन टू थ्री फोर एंड फाइव सिक्स में से टू एम जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपने पेपर पैटर्न में ये चीज देखी के सेक्शन ए है उसमें 15 एमसीक्यूज हैं 15 मार्क्स के हैं एंड 20 मिनट्स के अंदर अंदर हमने इसको सॉल्व करना है ठीक है आगे मैंने एक ये आप लोग को दिखा दिया पोर्शन उसमें सेक्शन नंबर वन है वो कहते हैं कि सेक्शन नंबर वन की कुछ इंस्ट्रक्शन उसने ऊपर लिख दी कि ये कंपल्सरी है आपके लिए सॉल्व करना फिर उसने कहा है कि इस पेपर के ऊपर ही आप अपने तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप ट्वेंटी मिनट्स के अंदर अंदर सॉल्व करेंगे और डिलीडिंग एंड अवर राइटिंग कुछ भी अलो नहीं होगी अगर आप किसी भी क्वेश्चन में कुछ डिलीडिंग या अवर राइटिंग कुछ करते हैं तो वो आपको मार्क्स उसका नहीं मिलेगा अटैम्प

अगर देखा जाए तो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर वन देखा तो उसमें ये था कि कुछ एम फिफ्टीन एम सी थे आगे क्वेश्चन नंबर टू है हमारा सेक्शन बी है उसमें क्या कहता है क्वेश्चन आउट ऑफ उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर टू है उसमें कहता है कि टोटल नाइन क्वेश्चन होंगे उसमें सिक्स क्वेश्चन आपने अटैप्ट करने हैं जो ईच क्वेश्चन है उसके मार्क्स होंगे उसमें उसके टू मार्क्स होंगे टोटल आपने टू मल्टीप्लाई बाई स टू ट्वेल्व ट्वेल्व मार्क्स के आपके ये क्वेश्चन होंगे इसी तरह क्वेश्चन नंबर थ्री होगा सेक्शन बी में ही उसमें भी आपने नाइन क्वेश्चन होंगे और सिक्स अटैम्प्ट करने हैं ट्वेल्व मार्क्स इसके भी होंगे आगे क्वेश्चन नंबर फोर है क्वेश्चन नंबर फोर में भी आपके नाइन क्वेश्चन होंगे और आपने सिक्स अटेम्प्ट करने हैं वो भी ट्वेल्व मार्क्स होंगे इट्स मीन आपके बन गए टोटल थर्टी सिक्स मार्क्स थर्टी सिक्स मार्क्स आपने इधर से अटैम्प्ट करने क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे देखा जाए तो गुजरा वाला बोर्ड में कुछ जो क्वेश्चन की रेंज चल रही है वो इसी इसी तरह होती है कि क्वेश्चन नंबर टू में जो होता है वो चैप्टर नंबर वन में से थ्री होते हैं चैप्टर नंबर टू में से टू होते हैं चैप्टर नंबर थ्री में से वन आते हैं और चैप्टर नंबर सिक्स में से टू क्वेश्चन आते हैं ठीक है टोटल जो नाइन क्वेश्चन बनते हैं नाइन में से आपने करने होते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर फाइव में से फाइव क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं जो रेंज आते हैं वाला बोर्ड में अगर चैप्टर नंबर एट में से टू आता है और चैप्टर नंबर नाइन में से वन क्वेश्चन आता है और इसमें भी आपने सिक्स अटैम्प्ट करने होते हैं जो ईच क्वेश्चन है उसके टू मार्क्स है और टोटल टू

तीन क्वेश्चन आएंगे तीन क्वेश्चन के जो सब पार्ट होंगे उसमें टोटल नाइन क्वेश्चन होंगे और नाइन में से हमने कितने अटैम्प्ट करने हैं, सिक्स अटैम्प्ट करने हैं हर पार्ट में से ठीक है क्वेश्चन टू में से भी, क्वेश्चन थ्री में भी सी और क्वेश्चन फोर में भी सी आगे मैंने कुछ गुजरा वाला की जो रेंज देखी है सारे पेपर्स रिव्यू करके उसकी मैंने वो आप लोग को बता दी जो ज्यादा से उत्तर क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट वो इस चैप्टर में से इतने इतने आते हैं ठीक है, है? अगर हमारा सेक्शन सी रह गया सेक्शन सी में उसने लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की बात की है कि टोटल फाइव जो हैं वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपने थ्री अटैम्प्ट करने हैं और ईच क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे एट होंगे एट मल्टीप्लाई थ्री इज इक्वल टू फोर मार्क्स के ये क्वेश्चन होंगे फर्स्ट जो उसका देखा, वो सी उसका है सेकंड जो हमने सेक्शन बी देखा वो हमारे पास थर्टी सिक्स का है और थर्ड जो हमने सेक्शन सी देखा वो हमारे पास ट्वेंटी फोर का है टोटल कितना बन गए हमारे पास सेवेंटी फाइव मार्क्स बन गए ठीक है आगे अटेम्प्ट एनी थ्री क्वेश्चन फ्रॉम फाइव क्वेश्चन फाइव क्वेश्चन में से आपने कितने अटैप्ट करने हैं थ्री क्वेश्चन आपने अटैप्ट करने होते हैं जिसकी रेंज मैंने आपको बता दी कि जो क्वेश्चन नंबर फाइव है वो चैप्टर नंबर फर्स्ट में से आता है क्वेश्चन नंबर सिक्सर नंबर टू में से आता है क्वेश्चन नंबर सेवन चैप्टर नंबर थ्री में से आएगा क्वेश्चन नंबर एट चैप्टर नंबर फाइव में से ज्यादातर आता है क्वेश्चन नंबर नाइन चैप्टर नंबर सिक्स में से आता है और इसमें से आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं थ्री क्वेश्चन अटैम्प करने हैं और कितने मार्क्स होंगे एट मार्क्स का पर क्वेश्चन होगा ठीक है टोटल जी ट्वेंटी फोर मार्क्स बनेंगे आगे देखा जाए तो मैंने आप लोगों को इसका ये चीज बता दी कि ये आपने कितने टाइम के अंदर अटेम्प्ट करना है आपका टोटल जो टाइम होगा टू आर टेन मिनट्स होंगे जिसके अंदर अंदर आपने पूरा अपना ये पेपर सॉल्व करना है फर्स्ट में हमने ये चीज़ देखी कि हमारा जो फर्स्ट पोर्शन है वो कितने फिफ्टीन मार्क्स का है हमारा जो सेकेंड पोर्शन है वो हमारा कितने मार्क्स का है 36 marks का है, फिर हमारा जो थर्ड है, वो हमारा का, बन गए, अपना आपका जो पेपर पैटर्न है बोर्ड का वो आपने इस लिहाज से अपने कर लेना है आज का आपका पेपर पैटर्न क्या बोर्ड ही था इन नेक्स्ट में हम आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे computer science की IT series के book का। थैंक यू बचो अल्स